गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, असी एक्सरसाइज 2.1 लगभग कंप्लीट कर ली है। हुण असी करांगे एक्सरसाइज 2.2 दा पहला सवाल। इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? एक बार दोबारा असी पढ़ांगे। If you subtract 1/2 from a number, कि कोई नंबर है उहदे विचों असीं 1/2 अगर घटाइए तो जो आया multiply the result by 1/2, उस रिजल्ट नूं 1/2 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, यू गैट 1/8, तो तुसीं 1/8 प्राप्त करते हो। वट इज़ द नंबर? वो नंबर किहड़ा है? असीं जिहड़ा भी नंबर कढ़ना है असी उन्हों पहला मान लेना है। लेट द नंबर, असी इन मान लें, असी इन एक्स मान लिया, असी इन वाई भी मान सकते, असी इन कोई भी वेरिएबल मान सकते। हूँ प्रश्न के अनुसार की है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि जेड़ा नंबर सी उहदे विचों 1/2 घटाया ते फिर उन्हें 1/2 नाल ही मल्टीप्लाई किया तो साढ़े को 1/2 आया। ओके, हुण असी इस समीकरण नूं असी हल करना है। जिहड़े विद्यार्थी समीकरण नूं चंगी तरह हल कर लैंदे ने वो इस वीडियो नूं पॉज करके रोक के इस समीकरण नूं आप ही हल करन। अगर नहीं उन्हां नूं समझ आ रही किसी स्टैप की तो फिर ही वह इस वीडियो नूं दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। असी की करांगे इहदे विच कि इस 1/2 नूं दूसरे पासे लैके जावांगे, क्योंकि 1/2 है दूसरे पासे 2/1 चला जाएगा, 2 × 1 = 2 ते 4 × 2 = 8, इस पासे साढ़े कोल आएगा 1/4। दूसरे पासे साढ़े कोल इस लाइन दे विच बचिया सी 1/2। हुण असी इस -1/2 नूं दूजे पासे लैके जाणा है। असी की किया 1/4, क्योंकि असी दोनों साइडां दे 1/2 जोड़ना है। जदों असी 1/2 इस पासे जोड़ांगे इहदे नाल इह माइनस कटे जाएगा तो 1/2 इस पासे रह गया, जां इस तरह कह लो कि इहनू चुक के असी दूजे पासे लैके जाणा है तो दूजे पासे जाके इहदा निशान चेंज हो जाएगा। हुण असी इहनू सोल्व करना है। इहनू सोल्व करन दे लई असी पंजवीं क्लास तों ही पंजवीं छेवीं सतवीं च वी काफ़ी प्रैक्टिस कीती है। बटरफ्लाई मल्टीप्लाई मैथड ही लाते रहे हैं, जो फिर तुम इन्हों का एलसीएम वाला जो तरीका है वह भी ला सकते हो। असी बटरफ्लाई मल्टीप्लाई एनू ये गुणा करते हैं 4 × 2 = 8, फिर असी एनू इन गुणा करते हैं 2 × 1 = 2, जो निशान हो बिच पै गया 4 × 1 = 4। एक्स का मुल कि आ गया साढ़े को 2 × 4 = 6/8। इनू अगर अं कट्टीए 2 × 3 = 3 = 4 × 8, साढ़े को जवाब आ गया 3/4। एक्स का मूल साढ़े को 3/4। लास्ट के असी एक लाइन होर लिखनी होंगी है, जरूरी है वो कि द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। यह साडा एक जिहड़ा सम सी वह हल हाल हो गया। हुण असी दूसरा सवाल करांगे, 2.2 का दूसरा सवाल। हाँ जी, सवाल नूं पढ़दे हां। पैरीमीटर ऑफ द रैक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। उहदा पैरीमीटर है, उहदा आला दुआला है, मतलब इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रैथ, कि उहदी जिहड़ी लेंथ है उहदी चौड़ाई नालों, चौड़ाई दे 2 गुणा नालों 2 मीटर ज़्यादा है। वट आर द लेंथ एंड ब्रैथ ऑफ द पूल? असी उस पूल की जिहड़ी है लंबाई ते चौड़ाई पता करनी है। चलो असी जिहड़ी चीज़ पता करनी है वह असी मान लैंदे हां। लेट द ब्रैथ ऑफ द पूल असी मान ली एक्स, ठीक है।
ਪੂਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ। ਚੌੜਾਈ ਸਾਡੀ ਐਕਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ 2x+2 ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਐਕਸ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ 2x+2, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਲੱਸ ਐਕਸ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ +2x+2। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 154, 154 ਮੀਟਰ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 1x ਹੈ, 2x ਹੈ, 3x ਹੋ ਗਏ, 4x ਹੋ ਗਏ, 4 ਤੇ 2 6x, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6x+2 ਤੇ 2 4, ਇਸ ਪਾਸੇ 154। ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੁਅਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 4 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 150, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6x, ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 150/6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਿਕਾ, 6 2 12, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬਚੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 6 1 6, 6 2 12, 3 ਬਚੇ 30 ਬਣ ਗਏ, 6 5 30, ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਥ, ਸੋ ਬ੍ਰੈਥ ਆਫ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਪੂਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 25 ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਵੱਧ, ਮਤਲਬ 25 2 50 ਆ ਗਿਆ, 6 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 52 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।